तो बेटा एलसीएम को मैंने क्या बताया कि हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी, हाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। बेटा करते कैसे हैं, मानो ये मेरे पास 10 है, 10 का मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है, मल्टीपल्स निकालने हैं। तो बेटा 10 किस पहाड़े में आता है, मुझे कई पहाड़े आते हैं, 10 10 के पहाड़े में भी आता है, 10 5 के पहाड़े में भी आता है, 10 2 के पहाड़े में भी आता है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम कौन सा पहाड़ा लेंगे जिससे काटेंगे, सबसे छोटा लेंगे, क्या लेंगे, सबसे छोटा। तो 2 एक ऐसा पहाड़ा है जो सबसे छोटा है और उसमें 10 कटता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 के पहाड़े में 10 कितने में आता है, कितने बार, तो किस 2 5 जा 10, 2 5 10, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, अब बेटा ये 5 आ गया, अब ये बस बात इस बात को भूल जाओ, अब ये आ गया 5। अब फिर से वही बात सोचनी है कि ये 5 जो है किसके पहाड़े में आता है, तो 5 5 के पहाड़े में आता है, और बस बेटा 5 के ही पहाड़े में आता है, तो इसमें तो मजबूरी है कि हमें इसे 5 के पहाड़े से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगेंगे 5 1 5, और बेटा जब यहाँ पर 1 आ जाए समझो आपका एलसीएम हो गया। तो फिर इसका उत्तर कैसे लिखते हैं, तो बेटा जो भी 2 पहाड़े या 3 पहाड़े या 10 पहाड़े जो भी आपने लिए उन्हीं को आपस में लिख दो गुणा करके, तो 2 गुणा 5, तो क्या निकल के आया है इसका, 10। ठीक है, तो इसके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गए, इसके गुणनखंड क्या बने, लघुत्तम समापवर्तक क्या बने, 2 और 5 बने। अब बेटा थोड़ा दूसरा एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा ले लेते हैं। अब हमने ले लिया 100, क्या ले लिया, 100। अब ये सोचो ये 100 किसके पहाड़े में कट सकता है, तो बेटा 10 के पहाड़े से 100 कट सकता है, 5 के पहाड़े से भी काट सकते हो, क्यों, 5 धाम 50 होता है, तो उसको 20 बार पढ़ेंगे तो 5 20 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बेटा ये 2 के पहाड़े से भी कट सकता है, कैसे, 2 5 10 काट सकते हो और 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, भाग करना तो सीखा होगा, तो देखो और 2 सबसे छोटा पहाड़ा है और सबसे छोटे पहाड़े से ही काटना होता है, तो 2 से काटो, 2 5 10 और 0 का 0 आ गया, आ गया 50, क्या आ गया, 50। अब बेटा वही बात फिर से, नई कहानी वही शुरू हो गई, अब हमें देखना है ये 50 किसके पहाड़े से कट सकता है, तो ये 10 के पहाड़े से भी कट सकता है, ये 5 के पहाड़े से भी कट सकता है, और ये 2 के पहाड़े से भी कट सकता है, 2 के पहाड़े से भी कट सकता है। अब मैं किस पहाड़े से काटूंगा इसको, जो बेटा सबसे छोटा टेबल होगा, सबसे छोटा। अब आप बोले भैया 50 कैसे कट जाएगा, तो जा करके देख लो जरा, भाग याद आ जाएगा कैसे कटेगा, देखो तो 2 के पहाड़े से काटो, तो 2 5 के पास जाने के लिए 2 दूनी 4 बचा, 1 ऊपर से आया 0 10, तो 2 5 10, तो कितने नंबर पे कट गया ये 50, 2 के पहाड़े में 25 पे कट गया, किस पे, 25 पे कट गया। तो यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे, 25 पे पढ़ेंगे। अब बेटा फिर से वही कहानी, अब ये 25 किसके पहाड़े में आता है, 25 5 के पहाड़े में भी आता है, 3 में नहीं आता, 2 में भी नहीं आता, ठीक है, जिसके एंड में 5 है समझ जाओ सीधी सी बात है 2 से तो कटने वाला नहीं है, तो हम इसे किससे काटेंगे, सबसे छोटे पहाड़े से, 5 से कट जाएगा, और 5 के पहाड़े पे कितने पे आता है, 5 पे, 25 25 25, 5 5 25। अब फिर से वही कहानी, अब ये 5 किस पे कटेगा, तो 5 बेटा 5 के पहाड़े पे ही कटता है, 5 एकम 5, और जब 1 आ जाए तो आपका एलसीएम खत्म। और उत्तर क्या लिखते हैं, ये जो पहाड़े लिए थे इनको गुणा करके लिख दो, तो इसका उत्तर आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और इन सबको जब गुणा करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, और बाकी एलसीएम आपका ये हुआ। बात समझ में आ गई, अब बेटा एक एलसीएम करते हैं थोड़ा सा बड़ा, क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा एलसीएम करते हैं। ठीक, अब बड़ा एलसीएम में हम क्या लेते हैं, 2 नंबर एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लिया मैंने, मान लो 2 नंबरों का एक साथ एलसीएम करेंगे, तो कैसे करेंगे, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, मान लो 1 नंबर है मेरा 2 और 1 नंबर है मेरा 6, और जब 2 को एक साथ करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ भी हम यही देखेंगे क्या ये दोनों किसी एक पहाड़े से कट सकते हैं। हाँ बेटा 2 तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा, और 6 3 के पहाड़े से भी कट सकता है, 6 के पहाड़े से भी कट सकता है, और 2 के पहाड़े से भी कट सकता है, तो कितनी अच्छी बात है, एक ही पहाड़े से ये दोनों कट जाएंगे, तो हम वही पहाड़ा छोटा वाला लेंगे और छोटा ही लेते हैं, तो 2 ले लिया हमने, तो 2 एकम 2 पे गया और कॉमा, और 6 2 3 6 पर गया, 13 मत लिख देना, बीच में कॉमा जरूर डालना, इसके अगर 3 नंबर भी हो तो भी ऐसे स्टेप लगाना है।
अब फिर से वही कहानी कि बेटा एक और तीन ये किसके पारे से कट सकते हैं, तो एक तो कुछ है ही नहीं, एक जहाँ आ गया वहां तो एलसीएम खत्म हो गई, बात तो बच गई अब तीन की, तो तीन तो बेटा तीन के पारे में सबसे छोटा पे आता है तो उसका तो रह गया तीन, एक का बेटा एक ऐसे ही उतारते चले जाते हैं जब एक आ जाता है तो, और तीन एकम तीन, तो इसका उत्तर क्या हो गया दो गुना तीन। अब थोड़ा इससे बड़ा वाला कर लेते हैं बेटा, एलसीएम इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप गलतियां ना करें, ऐसे मुझे पता है आपको आते होंगे लेकिन फिर भी अगर नहीं आते तो शार्प कर रहे हैं तो बेटा थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये हमने ले लिया 10 और यहाँ पर ले लिया हमने लो 12, ठीक है। अब फिर सोचो कि 10 और 12 किसके पहाड़े से कट सकते हैं, 10 हाँ तो बेटा दो के पहाड़े से कट सकता है और दो एक सबसे छोटा पहाड़ा है, ठीक है। आप बोलो भैया एक के पहाड़े से ना काट दें, बेटा एक एक करते रहोगे तो 10 का 10 ही उतरता रहेगा, 12 का 12 ही उतरता रहेगा, सॉल्व भी नहीं होगा। तो दो के पहाड़े से अगर मैं इसे काटूँ तो 2 5 10 और कॉमा 2 6 12 पे कट जाता है। अब बेटा क्या हुआ, अब यहाँ पर 5 आ गया और 6 आ गया, ऐसा कोई पहाड़ा है ही नहीं जिसके अंदर 5 भी आता हो और 6 भी आता हो, तो इसका मतलब अब तो हमें इसे अलग अलग काटना पड़ेगा। कैसे काटना पड़ेगा, अलग अलग। तो पहले 5 को छोड़ो, पहले 6 को तो काट लो, 6 तो अभी भी दो के पहाड़े से कट सकता है ना, तो 2 ले लिया। अब जो नहीं कटेगा उसको ऐसा का ऐसा ही उतार दो, उसको ऐसा का ऐसा ही उतार दो, और जो कट सकता है तो किस कैसे काटो, 2 3 6। अब बेटा दोबारा सोचो, अब ये 5 और 3 किसी एक पहाड़े में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन हाँ 2 से एक बड़ा पहाड़ा है जिससे 3 जरूर कट सकता है, वो है 3, तो 3 से काटो, तो 5 का 5 उतर के आ जाएगा क्योंकि ये तो कट ही नहीं रहा, तो जनरल कटे उसको वैसा का वैसा उतारते जाओ और 3 एकम 3। अब बेटा ये तो खत्म हो गया, अब खाली 5 की समस्या बची जो कि एक ही पहाड़ा हल कर सकता है, वो है 5 का पहाड़ा खुद, तो 5 एकम 5 और 1 का 1 है ही, तो बेटा मेरा उत्तर क्या निकल कर आया, इसका उत्तर निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है बेटा।